घर तोड़ दिया गया आपका? हाँ, तोड़ दिया गया है, बिल्डिंग तोड़ा गया, घर नहीं, पूरी बिल्डिंग टूटी है। इसके कारण लोग यहाँ परेशान होके बैठ गए। थोड़ा भी मेरे को कुछ तो मिले, कुछ भी सुनवाई हो, मगर नहीं होता है। कहने कोई जनता के नौकर हैं, बट ये मालिक बन बैठे, आए थे किराएदार बन के, अब मालिक बन बैठे हैं। महानगर पालिका अंधा, पुलिस प्रशासन बहरा, महाराष्ट्र शासन गूंगा, जंगल हटाओ वसई विरार बचाओ। कुछ लोग हैं यहाँ पे मेरे पीछे जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक टाइम भोजन करते हैं, ये यहाँ पे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके मतलब संवैधानिक रूप से यहाँ पे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके अधिकारों का हनन हुआ है। मैं एक एक करके इनसे पूछूंगी कि क्या हुआ है इनके साथ और क्या है पूरी कहानी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 53 दिन आंदोलन करने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका दोनों मिलके वसई विरार नाला सोपारा नाय गांव की 30 लाख जनता के जो संवैधानिक हक है उसको खत्म कर रहे हैं, और वसई विरार में एक जंगल राज व्याप्त है। तो इस जंगल राज के खिलाफ हम एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्थापना की है और जंगल राज हटाओ वसई विरार बचाओ इसका नारा दिया है। अभी आप इसमें देखेंगे, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बताए हुए सिद्धांत है कि जनता के स्वाभिमान की रक्षा करनी है और स्वराज्य की स्थापना करती है, स्वराज मतलब जनता का राज, उसकी स्थापना करनी है, उसके लिए हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट में काम करेंगे। हमारा काम करने का तरीका क्या होगा? हम लोग महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही काम करेंगे। बिल्कुल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही पूरा आंदोलन रहेगा। तीसरा, यहाँ आप बाबा साहब अम्बेडकर को देख सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में जो भी हमारे मूलभूत अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमने इस लोगो को बनाया है और हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि वसई विरार में लोकल लेवल पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां पुलिस के इन्फ्लुएंस में, भ्रष्टाचारियों के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए आम जनता को डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक वर्मा है और मैं यहाँ पिछले 53 डेज से आंदोलन कर रहा हूँ। महानगर पालिका के कुछ अधिकारी, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कानून का पालन ना करते हुए किसी की बिल्डिंग को डिमोलिश कर देते हैं और उनका सामान उठा ले जाते हैं बिना पंचनामा, बिना जब्ती के। आपको अगर मैं थोड़ा ध्यान देंगी तो हॉकर्स का, अगर जो रोड पे दुकान लगाते हैं उनका भी सामान लेके जाते हैं तो पेनाल्टी भरने के बाद छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ लीगल बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और लोगों का सामान लेके चले जाते हैं बिल्डर और जो लैंड ओनर्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ये बड़ा करप्शन है, बड़ा एक सिंडिकेट है। तो एक सिंडिकेट रूप में काम होता है और जब हम ये जानकारी पुलिस को देते हैं, एफआईआर दर्ज करने के बाद बोलते हैं चोरी का एफआईआर दर्ज करो, ये चेक करो, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती, इसलिए हम बोल रहे हैं वो बहरे हैं, सुनते नहीं हमारी बात को। और इस बात की गुहार जब हम मंत्रालय में होम मिनिस्टर के पास लगाते हैं, हमने 2 दिन आंदोलन किया आज़ाद मैदान में, तो वो कुछ जवाब नहीं देते, गूंगे हैं। कुल मिला के ये हो गया कि सब मिलके लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमारे अधिकारों को ख़त्म करना चाह रहे हैं और हमारी न्यायपूर्ण की जो लड़ाई है उसको ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमने आज सुबह ही एक टैगलाइन डाली हुई है कि सत्य एक लड़ाई सत्य के लिए और सत्य के साथ। हमने जो कुछ भी इनसे कहा है एक एक लाइन सत्य कहा है। मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आप मेरे को जवाब दे दो, ये जवाब नहीं देना चाहते। हम कोई लेटर देते उसकी जवाब नहीं देते, हम RTI की एप्लीकेशन डलवाते हैं उसकी भी रिप्लाई नहीं देते। अभी एक उन्होंने 2-3 पेज दिए तो मैं बताना चाहूँगा कि मैटर में हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम कंप्लेन दे रहे लेकिन जांच कहीं दूसरी जगह की जा रही है। और ऐसे स्टेटमेंट मिले हैं हमको जो कंट्राडिक्टरी हैं। इंजीनियर बोलता है कि हमने एक जितेंद्र वर्मा को नोटिस दिया, उस बिल्डिंग में कोई जितेंद्र वर्मा है नहीं, पहली बात। तीसरा आदमी बोलता है कि नहीं हमको नोटिस दिया, जो कि महानगर पालिका के बिल्डर बिल्डिंग बनाने का काम करता है और महानगर पालिका ने उस दबाव में उससे स्टेटमेंट लिया। अब वो बोलता है कि हमको नोटिस देता और इंजीनियर बोलता नहीं हमने जितेंद्र वर्मा को नोटिस दी। तो इनका दोनों का कनेक्शन है, सेल्फ कंट्राडिक्शन है। कंप्लेन मेरी है, मेरे से नहीं पूछा जा रहा है कि भाई क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट 13 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद FIR लिखने का नाम नहीं लिया जा रहा है। 11 करोड़ में जो दफन भूमि घोटाला है उसमें तत्कालीन SP एक IPS ऑफिसर लिखता है रिपोर्ट में कि इसमें घोटाला हुआ है, राइटिंग में रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, हम FIR नहीं लिखेंगे। उल्टा लोगों को बता रही है मानिकपुर पुलिस, मिस्टर राजू माने बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो पुराने मुद्दे हैं। पुराना मुद्दा मीन्स क्या है? हम कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, हमने एक दिन में पीछे नहीं, अशोक वर्मा उस पर कुछ नहीं चाहते, जबकि हमने कहीं हमने उनसे RTI में पूछा है, बताइए हमने कब कहा कि हम इस पर अलग, हम हर लेटर पे हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारे 3 मुद्दों पे आप ध्यान दीजिए, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बोले हम FIR नहीं लिखेंगे, उल्टा बोलते हैं कि अगर महानगर पालिका आएगी FIR लिखने के लिए तो हम FIR लिखाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, कभी आपने ऐसा सुना है क्या
कि कोई चोर पुलिस स्टेशन में आए और बोले मेरे खिलाफ FIR लिख लो, मैं ही चोर हूँ। मेरी कंप्लेन महानगर पालिका के खिलाफ है और वो चाहते हैं कि महानगर पालिका आके FIR दर्ज करे। क्यों, कौन से कानून में बात लिखी? नहीं, उनको बात ही नहीं करना है। तो कुल मिला के ये हो गया कि सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने संगनमत हैं कि वो लोग जो है उनकी जो न्यायिक प्रक्रिया उसका पालन नहीं करते, सिर्फ बंदर बांट पे लगे हुए हैं। ये पैसा जो भी उनके साथ डील हुई है, एक दूसरे खा रहे और एक दूसरे को बचा रहे। आपने कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी आपके अनुसार कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, 53 दिन हो गया आपको ये आंदोलन करते हुए, तो अब आप दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपना रहे? बहुत सही प्रश्न है मैडम। पुलिस भी ऐसे ही बोल रही है कि आप कोर्ट में जाना चाहिए। सवाल मैडम ये है कि आप भी जानते हो कोर्ट की परिस्थिति क्या है। एक मजिस्ट्रेट जो जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके कोर्ट में पर डे 200 से ऊपर मैटर लिस्ट होते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, कैसे सुन सकते हैं? तो आपको जो काम करना आप करो नहीं, और पब्लिक को वहाँ भेज दो, क्योंकि वहाँ न्याय आने में 10 से 15 साल लग रहे हैं। तो वहाँ हम 10-15 साल लड़े रहे हैं और आप यहाँ मजे करते रहो, करप्शन करते रहो। अगर आप अपना बेसिक ड्यूटी डिस्चार्ज करो तो कोर्ट का भी बर्डन रिड्यूस किया जा सकता है। तो हमें लोकशाही बचाने के लिए जुडिशरी को भी तो बचाना है ना। जुडिशरी को ओवर बर्डन करके उसको दबा नहीं देना है बोझ के नीचे। आप उनको आप संसाधन नहीं दे रहे हो, आप उनको कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ कोर्ट भेज दो। हालांकि हमने अभी तय किया है और कुछ दिन में आपको पता लग जाएगा, हम इन अधिकारियों का, उसमें पूर्णिमा चौगले जो DCP जोन 2 हैं, राजू माने जो PI हैं नाम मानिकपुर के, मिस्टर सागर साबले है जो बोलते हमने इन्वेस्टिगेशन किया है इस मैटर में, इनके खिलाफ स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट देने जा रहे हैं। और ह्यूमन राइट में हमारी एक कंप्लेंट एडमिट भी हो गई है, जिसकी शायद नोटिस इन लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो जो हमको मैक्सिमम पॉसिबल है हम करेंगे, और हो सकता है आगे चल के हम हाईकोर्ट में भी इस मैटर को लेके जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इनकी ड्यूटी है, ये इसका पगार ले रहे, जनता के नौकर हैं, तो आप अपनी पहले ड्यूटी डिस्चार्ज कीजिए, उसके बाद ठीक है अगर हमारे पास कोई ऑप्शन जब नहीं बचेगा डेफिनेटली हम जाएंगे। लेकिन फिर हम ये FIR दर्ज कराने के लिए नहीं जाएंगे, हम इसलिए जाएंगे कि इन्होंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं की है, इन्होंने चोरी की है, ये चोरों का साथ दे रहे हैं। तो चोरों को साथ देने के IPC में प्रोविजन है 217-218 IPC 166A, उसका वायलेशन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर FIR हो, इसलिए हम तब जाएंगे। क्या हुआ था पूरा वाक्य, मतलब कैसे तोड़ा गया और किस तरीके से, वो पूरा मुझे विस्तार में बताएंगे, दर्शकों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैडम इधर वसई वेस्ट स्टेशन के पास में वीर सावरकर नगर एक जगह है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है न्यू वीना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। न्यू वीना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर है और वो लीगल बिल्डिंग है, इलीगल नहीं, 30 साल की बिल्डिंग है, 30 साल करीब एज है उसका। इन्होंने उसको बिना कोई नोटिस दिए C1 कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया, C1 कैटेगरी महानगर पालिका, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इन्होंने पालन नहीं किया। ठीक है, कर दिया, अगर खतरनाक है तो तोड़ भी देना चाहिए, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। कानून को सबको साथ देना चाहिए, किसी की लाइफ एंड लिबर्टी से खेलना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहाँ जो लोग थे उनको नोटिस नहीं दिया और जाके उनकी बिल्डिंग गैरकानूनी तरीके से 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को तोड़ दिया। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई की लड़की की शादी में गए हुए थे गाँव, और यहाँ ताला लगा हुआ था, और लौट के आते तो बिल्डिंग धराशायी, उनका फ्लैट नहीं, कुछ नहीं, और उसके सामान भी लेके गए जिसका कोई जब्ती पंचनामा नहीं है, कोई रोजनामा वो नहीं बनाया, मीन्स पंचनामा नहीं बनाया। अब ये बोलते हमारे पास है पंचनामा है और जब्ती रसीद, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे लेटर में मांगा भाई हमको दे दो है, तो नहीं। फिर हमारे मित्र सुमित्रा नंदन जी है, इन्होंने एक RTE एप्लीकेशन डाला, 30 दिन से ऊपर हो गए, वो कोई रिप्लाई नहीं। हमने अपील डाला है, अपील की सुनवाई अभी 20 तारीख को लगाया, मिलेगा नहीं मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि इन्होंने हर कानून को बर्बाद कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन 0 कर दिया हुआ है। इसलिए धीरे धीरे RTA एक्ट को भी ख़त्म किया जा रहा है, तो हमें इनसे उम्मीद नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं उसके विरोध में, हम जब पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन ने पहले तो हमारी कंप्लेन नहीं ली, बाद में 13 दिसंबर को हमारा पूरा स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, बोला 10-15 मिनट में FIR आपकी लिखी जाएगी। बाद में बोलते मैडम ने बोला नहीं, अभी नहीं, बाद में विचार करके लिखेंगे। आज तक मैडम मिली नहीं, आती नहीं, ह्यूमैनिटी उनके अंदर है नहीं। तो इस तरह की इन्होंने राजशाही चला रखी है, कहने कोई जनता के नौकर हैं बट ये मालिक बन बैठे, आए थे किराएदार बनके अब मालिक बन बैठे हैं, ये कहानी हो गई इनके साथ में। तो मैं आपसे बस आप लोगों के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहूँगा, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, गलत के खिलाफ, गलत कहने की लड़ाई है, तो आप इसमें सहभागी हो जाएं और इनका पुरजोर विरोध करें। क्योंकि अगर हमने आज विरोध नहीं किया तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे लिए, हम उनके सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे महापुरुष गांधी जी या भगत सिंह या अंबेडकर साहब, इन लोग ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इन लोग ने सेक्रीफाइस जो किया है वो बचा रहना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए किया, अपने लिए नहीं किया, वो नहीं इसका उपभोग कर पाए। आगे आने वाले समय में
हो सकता है हमारे बच्चों को वो भी आज़ादी, खुल के बोलने की भी आज़ादी छीन ली जाए, हो सकता है रास्ते पे आपके साथ अन्याय हो, आपके फायर ना लिखी जाए, ये भी हो सकता है, और आज जैसा मेरे साथ हो रहा है। तो हमारा ये लड़ाई एक सिम्बोलिक लड़ाई है, लड़ाई ये असत्य के खिलाफ है और इस सिंडिकेट के खिलाफ है। ये यहाँ मैडम बैठी सिर्फ चाल वालों से पैसा वसूलने के लिए बैठी, इनकी ड्यूटी नहीं देखने की कि क्यों नहीं PFIR लिख रहे। हम जब इनको लेटर देते उनके खिलाफ, तक उसे कोई जवाब नहीं देती। हम एक डेढ़ महीना दो महीना होने को आ रहा है, हमने मंडप की परमिशन मांगी है इसी जगह पे 2019 में किशन देव गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, इनको परमिशन दी गई थी मंडप बांधने को, हमको नहीं दी जा रही। हमको बोला जा रहा हमने ये रिपोर्ट मंगाई वो रिपोर्ट मंगाई है, कुछ नहीं। उसी के अगेंस्ट में हम लोग, हमारे मित्र हैं ह्यूमन राइट कमीशन, उसका काम करते एक्टिविस्ट है, उन्होंने कंप्लेन की है ह्यूमन राइट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, वहाँ पर उनका डायरी बंद हो गया, केस भी रजिस्टर्ड हो गया है, शायद को नोटिस आएगी, आगे देखते हैं क्या होता उस मैटर में। मैम मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको क्यों लगता है कि पुलिस प्रशासन बहरा है? पीड़ितों को परेशान करती है, कुछ सुनती नहीं है, जो सामने जहां देखते हैं सामने आदमी अच्छा मजबूत पार्टी है उसको पकड़ के लेती है, और कोई सुनवाई औरत का नहीं होता। ये बहरी है, अंधी भी है जो देख रही है, बिल्कुल कानून भी तो अंधे बोलते हैं ना, तो किधर कुछ भी सुनवाई नहीं होता। अभी तो 53 दिन से बैठे हुए एक बार भी नहीं सवाल किया कि या पूछी है कि हाँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या किस परेशानी की वजह से आप बैठे हो, कुछ नहीं। मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर घर तोड़ दिया गया आपका? हाँ तोड़ दिया गया, बिल्डिंग तोड़ा गया, घर नहीं पूरी बिल्डिंग टूटी है, इसके कारण लोग यहाँ परेशान होके बैठ गए। थोड़ा भी मेरे को कुछ तो मिले, कुछ भी सुनवाई हो मगर नहीं होता है, तो इसको बहरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे मैडम, अंधा ही।